पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को पूरे आस्था के साथ पार्वती नदी में किया गया प्रवाहित। प्रदेश के मंत्री दीपक जोशी, सांसद रोडमल नागर और चाचौड़ा विधायक ममता मीणा, गुना विधायक पन्नालाल शक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोगों ने लिया विसर्जन यात्रा में भाग। खिलगना से गाधेर मंदिर तक भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आज निकली विशाल कांवड़ यात्रा। गुना विधायक पन्नालाल शक, भाजपा उपाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित भाजपा जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने कांवड़ यात्रा का जगह जगह रोड पर किया स्वागत। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे के निजीकरण और रेल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विस्तार से की चर्चा। भोपाल रेलवे के हबीबगंज स्टेशन को निजी हाथों में सौंपने को बताया गलत। गुना में आज संपन्न हुई 14, 17, 19 बालक और बालिका वर्ग की संभाग स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना सहित विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु आयोजित किया गया निशुल्क शिविर। साथ ही साथ स्वर्गीय जगदीश प्रसाद और स्वर्गीय शीला देवी की स्मृति में भी लॉयंस नेत्र चिकित्सालय द्वारा आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। कथित रूप से पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर जीनघर के एक युवक ने अपने हाथ की काटी नस, पुलिस अधिकारी पर लगाया परेशान करने का आरोप। केरल में बाढ़ पीड़ितों और बेजुबान जानवरों की मदद करने वाले जवान के अति प्रशंसनीय कार्य के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के एन शर्मा ने कलेक्टर महोदय को सौंपा 1100 रुपए का पुरस्कृत करने हेतु एक चेक। साथ ही साथ केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए भी 1100 रुपए की राशि की भेंट। कल रात मखरौदा डैम पर मत्स्य विभाग के 4 कर्मचारियों पर 20 से 25 लोगों ने किया जानलेवा हमला। कर्मचारियों को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बारोद में प्रधान अध्यापक ने संस्कृत ग्रंथों की पूजा अर्चना और संस्कृत श्लोक गायन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अध्यापकों की समस्याओं को लेकर आज कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने चाचौड़ा में बीईओ से की मुलाकात और समस्याओं को सुलझाने की मांग। युवा हृदय सम्राट और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज नरसिंहगढ़ में विशाल जनसभा को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी पर लगाए तीखे आरोप। समाज में फैली कुरीतियों और समाजजनों में आपसी सहमति से नशा मुक्ति और मृत्युभोज जैसे प्रथाओं को बंद करने के लिए बमोरी के सिमरौद गांव में लोधा लोधी समाज की संपन्न हुई एक बैठक। गुना तहसील के ग्राम बमोरी बुजुर्ग में बारिश का कहर, एक गरीब का पूरा आशियाना ही गिरा, कई कच्चे घरों के धसकने की भी समाचार। एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रण सिंह ने आज गुना के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं से स्मृति वन में की मुलाकात। साथ ही साथ किया पौधरोपण और बर्मी कंपोस्ट यूनिट का भी किया अवलोकन। पद में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से घर गृहस्थी का सामान व अनाज जलकर हुआ खाक, 2 लोग भी हुए घायल। आग की चपेट में आस पड़ोस के 6 से 7 घर भी आए। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू, दमकल और पुलिसकर्मी भी पहुंचे मौके पर। हड्डी मिल के पास जगनपुर चक पर अजाक थाना द्वारा चेतना शिविर का किया गया आयोजन। उप पुलिस अधीक्षक विवेक शर्मा ने SC ST से जुड़े लोगों को SC ST एक्ट, कानूनी प्रक्रिया और शासन की उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में दी महत्वपूर्ण जानकारी।